और आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूं जो हर किसी के लिए जरूरी है। आज वर्कलोड इतना ज्यादा है, लोग स्ट्रेस में हैं, परिवार में अंतर कलह है, लोग कहीं ना कहीं तनाव से ग्रस्त हैं, और जब ये तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग ओवर थिंकिंग की अवस्था में चले जाते हैं। नेगेटिव रैंडम थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे होते हैं जिनका किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लगातार लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं और इस स्टेज को आगे आदमी पार करता है और वरी की अवस्था में, चिंता की अवस्था में चला जाता है, जहां कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स से घिरा होता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, जो चीजें हुई नहीं है लेकिन उनके बारे में काल्पनिक कल्पनाएं करके लोग जो है चिंताग्रस्त होते हैं। और इस चिंता से आगे बढ़कर जब इसका इलाज नहीं होता तो लोग एंजाइटी की अवस्था में चले जाते हैं और एंजाइटी से आगे बढ़कर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहां पर लोग, कई लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कई लोग सुसाइड जैसी चीजें कर लेते हैं। तो ये एक देश के लोगों की समस्या है और इससे निजात पाया जा सकता है। नेगेटिविटी की वजह से हमारे मस्तिष्क में कार्टिसोल नाम का हार्मोन जो है रिलीज होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को फिजिकली डैमेज करता है और शरीर को रोगग्रस्त करता है, कमजोर करता है। तो इन चिंता और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जिस लोगों के साथ में ये ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वाली चीज होती है वो लोग वर्तमान से कट जाते हैं, वो लोग ख्यालों में खोए रहते हैं, नेगेटिविटी में जीते रहते हैं। तो पहली चीज तो होती है एक स्ट्रांग ट्रिगर की जरूरत होती है, वर्तमान में आने की जरूरत होती है। और जैसे कि हम नहा रहे हैं तो पूरी तरह से हमारा फोकस उस करंट सिचुएशन पे, करंट मूवमेंट पे होना चाहिए, उस पानी के एहसास पे होना चाहिए, उस सावर पे होना चाहिए, उस मग्गे के ऊपर होना चाहिए, उस साबुन की खुशबू को महसूस करना चाहिए, उस तरोताजगी को महसूस करना चाहिए। आप पाएंगे कि जिंदगी में ऐसा पहली बार नहाया है जब आप उस करंट मूवमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू कर देंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने के एक एक निवाले पर पूरा फोकस होना चाहिए, उसको चबाने पे फोकस होना चाहिए, उसके टेक्सचर पे फोकस होना चाहिए, जायके पे फोकस होना चाहिए, टेस्ट पे फोकस होना चाहिए, सब्जी में नमक कितना है, मसाले कितने हैं, उसका टेस्ट कैसा है, एक एक चीज का जब आप आनंद लेंगे, जब उस चीज को महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ में पहली बार ऐसा खाना खाया है और आपका स्ट्रेस, आपकी चिंता, आपकी ओवर थिंकिंग सभी दूर हो जाएंगे। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उस रास्ते पर कौन आपको रास्ते में दिख रहा है, सड़क कैसी है, गाड़ी की स्पीड कैसी है, उस करंट सिचुएशन में, करंट मूवमेंट में आना शुरू कर दें, आप पाएंगे कि वाकई में एक जबरदस्त टेक्निक है जो ना केवल हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगी बल्कि आपको इस स्ट्रेस से पूरी तरह से फ्री कर देगी। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अपनी कमर को, अपनी रीढ़ को पूरी तरह से सीधी करके बैठे। हालांकि ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए बार बार अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल है, इसको नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस मन पर निग्रह पाना बड़ा कठिन है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि असंशयम महावाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्राह्यते। इस मन पर नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन है लेकिन अभ्यास और त्याग के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बात आती है मेडिटेशन, आपको ध्यान करना, और ध्यान का अर्थ होता है अलग अलग विधियों में, जैसे कि आप लंबी गहरी सांसों पर अपने ध्यान को लेकर आ रहे हैं तो आपका मन फिर से दूसरी जगह जाएगा, उसको धीरे धीरे फिर से वापस लाएंगे। और करंट सिचुएशन पर अगर आप लेकर आते हैं तो ना केवल ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वरी, डिप्रेशन को दूर करेगा बल्कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो ये पहली स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। दूसरी बात आती है कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्री बनाना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्री में आपको ये देखना है कि क्या आपकी चिंता जायज है या फिर काल्पनिक है, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। जब आप लिखेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी चिंतित है कि क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उसका सिलेक्शन होगा या फिर वो फेल होगा, तो अब यहां पर वो लिखेगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम जायज है या हाइपोथेटिकल है। अगर उसकी प्रॉब्लम जायज है, बिल्कुल जायज है कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो नीचे फिर ए और वी, उसको दो आंसर डालने होंगे। पहला ये
क्वेश्चन करेगा कि क्या जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है या उसका सॉल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। अगर सॉल्यूशन मेरे हाथ में है, यस आता है, तो फिर उस काम को करिए जो सॉल्यूशन है। चिंता नहीं, चिंतन करिए और उस चिंतन पर पूरी तरह से एक्शन करिए। कहते हैं कि पुरुषार्थ ही जीवन है, प्रमाद ही मृत्यु है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो बस एक्शन लीजिए, काम करिए, चिंता से क्या हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इस चिंता किस बात की। जरूरी नहीं कि दुनिया की हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास हो, कई चीजें ऐसी हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो उस बात के लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए, इस तरह से आप जब स्पिरिचुअल होते हो तो चिंता, वरी और ये चीजें सभी दूर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगर बात करें भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कहा है सबसे बड़ी चिंता होती है मृत्यु की चिंता। तो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर चिंता किस बात की। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से ये आत्मा भी पुराने जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को त्याग कर बच्चे के नए शरीर को धारण करती है। तो बुद्धिमान लोग इस विषय में शोक नहीं करते। जब लोग इस तरह के विचारों के अपने अंदर लाते हैं तो चिंता तो अपने आप दूर हो जाती है। और इसके अलावा आप योगा करें, रोज सुबह योगा करने से भी चिंता दूर होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, वस्त्रिका करें। आप इसके अलावा आप भ्रामरी और उद्गीत, दो बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है, इनके माध्यम से व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल जो है पूरी तरह से नीचे आ जाता है, डाउन हो जाता है और हम चिंता से फ्री हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिवार के साथ रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, खुश मिजाज रहिए और आपकी जो है बोलते हैं स्ट्रेस, इसके बाद ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो आज के समय की जो परेशानी है उससे दूर होने के लिए, निजात पाने के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही काम का। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के लाइफ चेंजिंग जो है सॉल्यूशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।